आज उपनल कर्मचारी महासंघ को मसूरी विधायक गणेश जोशी ने अपना समर्थन दिया और उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि महासंघ 27 जून से विनियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर है, लेकिन सरकार बात करने को तैयार नहीं है, जिससे सरकार की बेरुखी साफ पता चलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ पूर्ण तरह से खड़ी हुई है। बड़े कष्ट की बात है, हमारे ये बच्चे 27 जून से स्ट्राइक पर हैं, राजधानी के अंदर हैं, सरकार की नाक के नीचे हैं। सरकार को इनसे वार्ता करनी चाहिए थी, वार्ता करके समस्या का हल निकालना चाहिए था, लेकिन सरकार इनसे बात करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे बच्चे हमारे द्वारा लगाए गए हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के हमारे मित्र मन बन चुके हैं कि इनसे बात ही नहीं करनी, तो ऐसे में इन बच्चों को अपना समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए और इनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी इनके साथ में खड़ी है और जिस रूप में भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग हमारे ये नौजवान साथी चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ होगी। इस दौरान उन्होंने सीएम हरीश रावत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि स्टिंग से उन्होंने पूरे विश्व में नाम कमाया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की इन बेरोजगारों के प्रति कोई मनसा नहीं दिख रही है, जो घोर निंदनीय है। देखिए, हरीश रावत जी पर मैं टिप्पणी करूं, उन्होंने तो पूरे विश्व के अंदर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, स्टिंग में आपने देखा होगा, और 2 महीने के राष्ट्रपति शासन के अंदर आपने देखा होगा जितना पैसा इन पर खर्च होना है, जितनी खनन की ऊपरी रॉयल्टी, अगर आपको ध्यान होगा 9 करोड़ से 1 महीने में बढ़कर खनन की रॉयल्टी 100 करोड़ रुपये हो गई थी, तो 2 महीने के अंदर लगभग 200 करोड़ आते हैं। कहीं और नहीं उसी पैसे को हमारे बच्चों पर लगा दे तो इनकी मांग का समाधान हो सकता है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, सरकार बात नहीं करना चाहती, सरकार इनको दबाना चाहती है। और जब हमारे ये भाई अनुरोध थे 44 हमारे इन बच्चों को जेल में भी डाला गया, क्योंकि आज हमने पार्टी स्तर पर भी बात की है, अभी राजय भट्ट जी हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्र में, उनसे बात करके आया हूँ, तो उन्होंने मुझसे भरोसा दिलाया कि हमारी पूरी की पूरी पार्टी आज अपने उपनल कर्मचारियों के साथ में खड़ी है। देवभूमि न्यूज़, देहरादून।